नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सारे देश को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे के दरमियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। वे भारत में 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। उन्हें भारत के राजनीति में भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है। इसी वर्ष अटल जी को 11 जून एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में जकड़न और किडनी में संक्रमण की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। मगर पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आखिरकार 16 अगस्त गुरुवार की शाम 5:05 पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। उनका अंतिम संस्कार राजघाट के करीब स्मृति स्थल के बगल में किया जाएगा। हम आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक करियर में कई बार चढ़ाव उतार देखा है। उन्हें पद्म भूषण और 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे राजनेता के साथ साथ एक कवि भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हुई थी, मगर उन्होंने जब आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ आम जनता भी उनके इस विदाई में शामिल है। अटल जी एक सम्मानित नेता के तौर पर जाने जाते थे, जिन्हें यूएन में जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी को पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके 1 साल के बाद उन्हें जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए ही था। लेकिन जब उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का था, और इस 5 साल के सफर में उन्हें सबसे अच्छा प्रधानमंत्री साबित किया। जुर्म और राजनीति की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रहार टाइम्स।